हमारे पड़ोसी मुल्क से आई थी सीमा हैदर और भारत से पाकिस्तान गई हुई अंजू। दोनों ही लड़कियों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त गर्दा उड़ा रखा है। वायरल रील्स चल रही हैं, मीडिया को मसाला दिया जा रहा है, लेकिन अंदर से क्या हालात हैं ये तो सिर्फ इन दोनों को ही पता है। सीमा यहाँ बैठे बैठे अपने परिवार को याद कर रही है और अंजू का तो जैसे सब कुछ उजड़ गया है, न बच्चे हैं न घर है और पता नहीं पाकिस्तान में किस किस्म का प्रेशर है। खैर, हमारे पास ऐसी जानकारी है जो आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि अब अंजू चाहकर भी भारत वापस नहीं आ पाएगी। लेकिन क्यों, जानना है तो पूरा वीडियो देखिए। अंजू और नसरुल्ला की प्रेम कहानी ने दो मुल्कों में जबरदस्त लाइमलाइट लूट ली है। इस सब से एक बात तो फिक्स हो गई है कि अंजू और सीमा एक नंबर की ड्रामेबाज लड़कियां हैं। सीमा हिंदू बनना चाहती है, अंजू फातिमा हो जाती है, पर किलस तो दोनों को ही हो रही है। खैर, इनका मकसद क्या है ये जांच का विषय है, लेकिन खबर है कि पाकिस्तान में अंजू खून के आंसू रो रही है। उसे हर पल हिंदुस्तान की याद सता रही है और नसरुल्ला की खातिर पाकिस्तान पहुंची अंजू उर्फ फातिमा कल तक कुछ ही दिनों में भारत लौट आने की बात कह रही थी, लेकिन अब उसके भारत लौटने या ना लौटने पर उसके पाकिस्तानी शौहर नसरुल्ला की बातों ने इस कहानी को काफी हद तक साफ कर दिया है। अब नई कहानी ये है कि अंजू कम से कम निकट भविष्य में तो भारत आने वाली नहीं है। वो कब तक भारत आएगी, आएगी भी या नहीं, फिलहाल इसके बारे में पक्के तौर पर कोई भी कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। बताते चले कि अंजू और नसरुल्ला ने अपनी शादी की खबर आम होने के बाद ही मीडिया से दूरी बना ली थी। खासकर भारतीय मीडिया से बातचीत करने से दोनों कतरा रहे थे, लेकिन बीते दिन मीडिया ने फिर से अंजू के पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्ला से फोन पर बातचीत की और इस बातचीत में नसरुल्ला ने पहली बार खुलकर ये कबूल किया कि अंजू ने न सिर्फ अपना धर्म बदला है बल्कि उसकी और अंजू की शादी भी हो चुकी है। जब मीडिया ने उससे पूछा कि आखिर अंजू कब तक भारत लौटेगी, तो नसरुल्ला ने कहा कि अंजू के घर वालों को भारत में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है और वहाँ उसे खतरा है, इसलिए फिलहाल तो अंजू पाकिस्तान में ही रहेगी और भारत नहीं लौटेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अंजू का वीजा 20 अगस्त तक का है तो अंजू उसके आगे पाकिस्तान में रह कैसे सकती है। तो अंजू के पति नसरुल्ला ने एक वायरल वीडियो में इस बात का दावा किया है कि अगले कुछ महीनों के लिए उसका वीजा बढ़ा दिया गया है और अभी वो यहाँ आराम से रह सकती है। एक तरीके की बातचीत में नसरुल्ला ने ये भी बताया कि वो और अंजू कुछ रोज पहले अंजू की वीजा की टाइमिंग बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद भी गए थे और फिलहाल वो वहाँ से वापस आ चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए ये चीज भी बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है उस सब के बीच में अंजू को अपने बच्चों की भी याद आ रही है और साथ ही साथ अपने गाँव की भी याद आ रही है। ऐसे में कहानी किस तरफ मोड़ लेती है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। आपका इस कहानी के बारे में क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी के साथ साथ आप किन मुद्दों पर वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फेसबुक पर अगर आप इसे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।